फिर से स्वागत है। तो आज हम एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने आए हैं और ये बिल्कुल भी नए तरीके से हम बनाए हैं। गोभी के पकोड़े तो आपने बहुत बनाए होंगे, लेकिन इस तरीके से जब आप पकोड़े बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक गुजारिश है कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो इसके लिए गोभी का पकौड़ा बनाने के लिए हमने लिया है गोभी और इसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है, ये देखिए। और इसको जब भी आप गोभी का पकौड़ा बनाएं तो एक तो पहले आप बीच से ऐसे डंठल में एक बार चीरा लगा दें, ऐसे ये देखिए एक बार ऐसे चीरा लगाना है। तो इस तरह से गोभी के डंठल बहुत आसानी से ये गल जाते हैं, तो बस ऐसे एक बार चीरा लगाना है। और इस तरह से हम ऐसे चीरा लगा लिए हैं। अब हम गैस पर पानी गर्म करने के लिए रख दिए हैं और इसमें हम गोभी डालेंगे, इसको उबाल लेंगे ढककर, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है। तो इस गोभी को हम डाल देंगे और इसको 4 मिनट तक ढककर पका लेंगे। अच्छा, उबाल आ गया है, 3 से 4 मिनट हो गया है। अब हम इस गोभी को ऐसे किसी छन्नी में निकाल लेंगे, गैस बंद कर देंगे और इसको ऐसे ही छन्नी में थोड़ी देर पानी छनने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमने गोभी को उबाल लिया है, अब हम इसको एक किनारे रख देंगे। और अब हम जैसे नया तरीका बताया है उस तरह से हम आपको बताएंगे गोभी का पकौड़ा बनाना। तो इसके लिए हमने हरा मिर्च लिया है, इसको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। और इसमें लहसुन की कलियां ली हैं ढेर सारी, इसको भी हम डाल देंगे इसमें। और यहाँ पे मैंने एक टुकड़ा अदरक का लिया है, इसके छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच, ये 1 छोटा चम्मच खड़ा धनिया है, इसको ऐड कर लीजिए इसमें। और 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल दीजिए। और यहाँ पर मैंने सौंफ डाला है, सौंफ से जो है गोभी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच सौंफ डाला है। और अब हम इसको इसमें थोड़ा सा धनिया डालकर और पीस लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच हमने नमक डाल दिया है। और अब हम मिक्सी का जार चलाकर और पीस लेंगे। मसाले का पेस्ट हमने बना लिया है और ये बिल्कुल, ये देखिए ये अच्छा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, नमक तो हमने गोभी में भी डाला था लेकिन इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, हमने जीरा धनिया और सौंफ पहले ही डाल चुका है, लेकिन ये गरम मसाला से गोभी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा पकौड़े का। और अगर आप लाल ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो थोड़ी सी आप लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, अन्यथा इसको स्किप कर दीजिए। अब हम इसमें ये गोभी डाल देंगे। और इसको ऐसे मिला लेंगे बराबर से, चाहे ताकि गोभी में अच्छी एक कोटिंग हो जाए। ये देखिए गोभी में मसालों की अच्छी एक कोटिंग हो गई है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम इसका घोल तैयार कर लेते हैं। तो घोल तैयार करने के लिए हमने लिया है ये बेसन, बेसन मैंने 2 कटोरी लिया है और इसका हमने गाढ़ा घोल तैयार करना है। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक हम 2 बार और पहले भी डाल चुके हैं, तो इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे और 1/2 चम्मच अजवाइन डाल देंगे, क्रश करके डालेंगे। और इसमें अब हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हम चुटकी भर हल्दी डालेंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे।
घोल बनाते समय आप ध्यान रखिएगा कि गोभी का जब पकौड़ा आप बना रहे हैं तो आलू के पकौड़े जितना पतला घोल ना तैयार करें, ये थोड़ा सा गाढ़ा तैयार करें, इससे पकौड़ा जो है अच्छा बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से हम इसे गाढ़ा घोल बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके मिलाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े, और इसको अच्छे से फेंटेंगे। बोलिए अच्छा सा तैयार हो गया है। अब हम ये जो गोभी है इसको ढककर, बेसन को ढककर हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब ये गोभी में हम थोड़ा सा चावल का आटा मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच चावल का आटा लिया है, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको चावल के आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि गोभी पे एक और अच्छी कोटिंग हो जाए। और जो थोड़ा सा यहाँ पे जो हमने चटनी बनाई थी या मसाले बनाए थे वो जो अलग हो रहा है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और ये जो आप गोभी का पकौड़ा बनाएंगे वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से ये देखिए एक एक गोभी पे ये मसाले कितने अच्छे से कोट हो गए हैं। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है। अब हम गोभी को, एक एक गोभी को इसमें मसाले में डिप करेंगे। ये जो बेसन हमने लिया है उसको ऐसे डंठल पकड़कर और अच्छे से ये डिप कर लेंगे ताकि ये इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से हम लेंगे और इसमें डालते जाएंगे। इसी तरह से हम सारी गोभी ऐसे करके डालते जाएंगे, बिल्कुल अच्छी सी कोटिंग होनी चाहिए इसकी। और ये देखिए कितनी अच्छी कोटिंग हो रही है, और इसको डंठल पकड़कर ऐसे डालते जाइए। गोभी का पकौड़ा बनाते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि जब हम गोभी का पकौड़ा तेल में डालें तो हमें तुरंत नहीं पलटना है, इसको थोड़ी देर बाद पलटना है ताकि नीचे से बेसन अच्छे से सिक जाए, अन्यथा बेसन जो है अलग हो जाएगा गोभी से। तो ये थोड़ी देर हमने सेक लिया है, और ये देखिए ये कितना बढ़िया हो गया है, बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहा है। और ये देखिए कितना फूल भी रहा है, ये देखिए। कितना अच्छा ये गोभी का पकौड़ा हो रहा है। तो ये हल्का सा भुनने के बाद, हमें बहुत ज्यादा इसे अभी पकाना नहीं है, थोड़ा सा ये पूरी तरह से पक जाए तो आप इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए। जैसे आप हलवाई क्या है या कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं ऐसी जगह पे ठेले वगैरह पे आप जब पकोड़े खाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपको तुरंत ही गर्मा गर्म पकौड़े मिलकर तैयार होते हैं। तो इसका यही राज है कि वो 2 बार पकौड़े तलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वैसे पकौड़े हम निकाल लेंगे और फिर से उस तेल को बिल्कुल हाई फ्लेम पे गर्म कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा पकौड़ा ये बन कर तैयार हुआ है, और जब आप दोबारा तलेंगे तो बिल्कुल क्रिस्पी और गर्मा गर्म पकौड़े आपको मिल जाते हैं दुकानों पे। तो इस तरह से हम बनाएंगे। तो एक बार हमें ऐसे निकाल लिया है, थोड़ा सा ये ठंडा होने देते हैं और कढ़ाई को थोड़ा और गर्म करते हैं। बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको गर्म करना है और तेज तेल में से धुआं निकलना चाहिए। अब मैंने तेल को गरम कर लिया है। अब इसमें ये गोभी के पकौड़े हम डाल देंगे और मात्र 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, अन्यथा ये तेल जो है गोभी के पकौड़े एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, और 1 मिनट तक तलने के बाद हम इसको निकाल लेंगे और ये बहुत ही टेस्टी पकौड़े आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। अब ये हमारा गोल्डन सा गोभी का पकौड़ा बनकर तैयार है, बिल्कुल क्रिस्पी हुआ है। और अब हम इसको सर्व करेंगे धनिया की चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ। इसको सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए गोभी का पकौड़ा कितना बढ़िया, और इसकी कोटिंग भी कितनी अच्छी हुई है। तो आप देख सकते हैं यह लाजवाब पकौड़ा ये बनकर तैयार। देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है, और ये देखिए कितना अच्छा हुआ है ये गोभी का पकौड़ा। अब मैं इसको काट कर भी दिखा रही हूँ, ये कितना बढ़िया और क्रिस्पी हुआ है। तो ये देखिए मैं एक प्लेट में काट कर दिखाऊंगी, अभी काफ़ी गर्म है। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी हुआ है, और ये देखिए कितना अच्छा और क्रिस्पी पकौड़ा बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप गोभी का पकौड़ा बनाइए।
और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिए।